हेलो एवरीवन, मैं संदीप सिंह आज एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं जावा के पहला पेपर है आपका बीसी थर्ड ईयर स्टूडेंट, यू केयरफुल अबाउट दिस। पहला पेपर जावा का है, उसमें एक टॉपिक है हर साल पूछा जाता है, हर साल क्या मतलब पूछा ही जाता है, तो आज वायवे में अक्सर पूछा जाता है, तो प्लीज़ केयरफुल अबाउट दिस वीडियो। एब्स्ट्रैक्ट क्लास, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम बात करते हैं। ठीक, देखिए जब भी आप लोग कभी भी प्रोग्राम बनाते हैं अपने, मतलब कि जब सॉफ्टवेयर कोई बनाते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि आप लोग कोई क्लास बनाते हैं तो उसको उसका अपडेट बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो उसका जब अपडेट बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती तो व्हाट इज़ रिक्वायरमेंट टू मेक अपडेट ऑफ दैट क्लास, तो मतलब कि उस क्लास का अपडेट बनाने की जब आवश्यकता ही नहीं तो हम लोग क्यों बनाएं उसको। तो इसी कारण हम लोग क्या करते हैं, तो उस क्लास को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट बना देते हैं। तो हम बात करते हैं मेन क्या है मेरा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऐसा क्लास है जिसका हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, ऐसा क्लास जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाते उसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। इन द एब्स्ट्रैक्ट क्लास वी कैन नॉट मेक ऑब्जेक्ट ऑफ एनी क्लास। अगर आपने किसी भी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना दिया, इसके बाद आप लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो आपका जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करेंगे रन दिखाएगा, सॉरी एरर दिखाएगा मतलब। तो इसलिए ऐसा क्लास जिसका ऑब्जेक्ट हम लोग नहीं बना सकते उसको हम लोग क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। बी केयरफुल अबाउट दिस, ऐसा क्लास जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते उसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहेंगे। कभी कभी क्या मतलब जरूरत पड़ती है, जैसे मान लीजिए हम कोई ऐसा क्लास बना रहे हैं जिसके लिए हमें उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, तो फिर भी हम उसको ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहते हैं, तो क्यों हम उसको ऑब्जेक्ट बना के उस मेमोरी लॉस करें अपना। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना देते हैं। इससे क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट कैसे बनाते हैं, सी प्लस प्लस में जावा में दोनों में अलग तरीका है किसी भी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट करने का। सी प्लस प्लस का अलग तरीका है, बट इन जावा यू कैन इजिली मेक एनी क्लास एब्स्ट्रैक्ट बाय यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड बिफोर दैट क्लास। ओके, इसका मतलब क्या है कि आप किसी भी क्लास के पहले एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करके आप उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं। अगर आपने उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना दिए, देर इज नो रिक्वायरमेंट, कोई जरूरत नहीं है कि आप उसका ऑब्जेक्ट बनाएं। अगर आपने ऑब्जेक्ट बनाए मतलब कि अगर आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आपका एरर आएगा जब भी आप लोग एग्जीक्यूशन करेंगे, रन करेंगे प्रोग्राम को। ओके, तो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट दिस। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में जानिए, और वायवे में अक्सर पूछा जाता है, तो मैंने सोचा आप लोग को बता दूँ वीडियो के माध्यम से। अच्छा किए ना, तो थैंक यू सो मच एंड सी माई वीडियो एंटायर एंड बी आल्सो शेयर। ओके, थैंक यू सो मच।